नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुल्ताई ताप्ती मेले में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए पकड़ाया विदेशी युवक, नाइजीरिया देश का है निवासी बताया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई पवित्र नगरी में लगे ताप्ती मेले में नाइजीरिया निवासी युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए पकड़ाया। युवक के हाथ में मिली पॉलिथीन में कपड़े सहित अन्य सामान रखा हुआ था। मेले में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को घूमते हुए देखने के बाद व्यापारियों ने संदेह होने के चलते पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस युवक को पकड़कर पुलिस थाने लाई। मुल्ताई पुलिस की सूचना पर जिला मुख्यालय से आईबी के अधिकारी भी पुलिस थाना पहुंचे। अधिकारी युवक से पूछताछ कर रहे हैं। युवक नाइजीरिया का निवासी बता रहा है, साथ ही मेडिकल वीजा पर नई दिल्ली भाई के साथ आने की जानकारी दे रहा है। नई दिल्ली में भाई से विवाद होने के चलते ट्रेन में सवार होकर मुल्ताई पहुंचने की बात कह रहा है। युवक के पास पासपोर्ट भी नहीं मिला है। युवक ने अपनी जन्मतिथि 2003 बताई है। युवक नाइजीरिया निवासी युवक से पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है। आईबी के अधिकारियों को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, साथ ही बार बार पुलिस थाने से भागने का प्रयास भी कर रहा है। फिलहाल आईबी के अधिकारी और पुलिस युवक से पूछताछ कर रहे हैं। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े की रिपोर्ट।